गाइस, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में। तो इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं फाइनल डिसीजन के बारे में, साइन डीएलएम लिमिटेड और आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में। इन दोनों आईपीओ की है आज क्लोजिंग, ग्रे मार्केट प्रीमियम है डाउन, क्या हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, दोनों में से किस में अग्रेसिव हूँ, किस में सेफ प्ले करें, कहाँ पे हमें पैसा डालना है कहाँ पे नहीं डालना है, ये सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। बस करने दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहले वीडियो पूरा देखना और लाइक कर देना यार, करते नहीं आप, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बेहतर अपडेट्स के लिए आपको नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले देख पाओ। एंड गाइस बता दूं कि आज पीकेज वेंचर भी ओपन हुआ है, सब्सक्रिप्शन कुछ खासा देने नहीं मिल रहा है, तो अगर जब कंफ्यूज हो कि आपको इन तीनों आईपीओ आइडिया फोर्स पीकेएस और साइन में किस में कितना लॉट लगाना चाहिए, किस में कितना अग्रेसिव होना है, क्या है चीजें, तो इसका डिटेल रिव्यू मैंने डाल दिया तीनों में से कौन सा है बेस्ट आईपीओ। साथ में गाइस मैंने डाल दिया है पीकेज वेंचर का डिटेल रिव्यू, जरूर देख लेना आपको समझ में आ जाएगी अगर ये दोनों वीडियो आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में हम पहले साइन डीएलएम के बारे में। साइन डीएलएम की बात करूं गाइस तो यहां पे जो क्लोजिंग डेट है वो 30 है, ओपनिंग 27 थी, अलॉटमेंट डेट इसका 5th ऑफ जुलाई है, 10th ऑफ जुलाई को होगी लिस्टिंग, 10 की फेस वैल्यू पे 256 रुपए प्राइस बैंड रखा गया था। बात करें यहाँ पे करंट सब्सक्रिप्शन की तो ये 12:09 का डेटा है, जब मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ 12:50 पे तो यहाँ पे 14.86 टाइम हो चुका है। ये वीडियो लेट इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक बार इसको रिकॉर्ड कर चुका, मेरा जो माइक है वो डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो गया था, तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके चेक किया तो उसमें वॉइस ही नहीं थी, तो ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 14.86 देखने को मिल रहा हमें अभी करंट सिचुएशन में। बात करें एम्प्लॉयज की तो एम्प्लॉयज ने कोटा फुल कर दिया है, रिटेलर्स यहाँ पे हमें 34 देने को मिल रहा है बट करंट 12:50 देखोगे तो ये 38 तक हो चुका है। एनआईज ने भी अपना सब्सक्रिप्शन फुल कर दिया है और क्यूआईबीज की बात करें 3.43 टाइम हमें देने को मिल रहे हैं और करंट में 3.49 टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लगभग सेम सा है, कुछ है नहीं। ग्रे मार्केट डम की बात करूँ तो ग्रे मार्केट डम गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है करीब 95-100 रुपीज, जो कि कल के जैसा सिमिलर ही है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो हाई था वो 100 था लेकिन 90 रुपीज तक सस्टेन कर रहा है, इससे नीचे नहीं गिर रहा है, तो यहाँ पे ठीक है कि एक बैलेंस बना के चल रहा है आईपीओ ग्रे मार्केट में और कहीं कहीं डिमांड 105 रुपए की भी है, तो ठीक है। अगर जो हम बात करें इसमें हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो ग्रे मार्केट में देख के तो यही लगता है कि भाई छोटी लिस्टिंग लिए जा सकते हैं, बट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर जो 20 टाइम के नीचे रहता है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यार दो आईपीओ में मानता हूँ पर एटलीस्ट 20 टाइम तो होना चाहिए, क्योंकि अगर जो 20 टाइम के नीचे हुआ तो ग्रे मार्केट में भी फुस हो जाएगा और सब्सक्रिप्शन कम होने की वजह से हो सकता है लिस्टिंग ना मिले, तो यहाँ पे 20 के ऊपर हो तो आप लगा सकते हो और अगर जो 25-30 हो जाता है तो आप सेफ्टी में लगा सकते हो, जैसे हाउसवाइफ हो गए, स्टूडेंट हो गए, इनका पैसा बहुत कीमती होता है क्योंकि लगाया 10-15 दिन फंसा रहे और फिर ना मिले आईपीओ और मिला तो लॉस हो जाए तो दिक्कत होती है, तो अगर जो आपको बहुत सेफ्टी चाहिए तो 25-30 टाइम अगर जो इसमें हो जाए साइंट में तो लगा देना, वरना फिर आप रहन देना, अगर जो थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो 20 टाइम के ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से जो है ही है लेकिन 30-40% की लिस्टिंग है देखने को मिल जाएगी जो सब्सक्रिप्शन ये आया तो। आगे बढ़ते हैं बट उसके पहले ये इंपॉर्टेंट डिटेल मिस मत करना, यहाँ पे देख लो आज के दिन भी जैकपॉट कॉल दी है, जैकपॉट नहीं नॉर्मल पॉइंट तो कह ही सकते हो, 50 पॉइंट का गेन बुक करवा, आराम से 30 से 50 पॉइंट बुक किया होता, ठीक है, और आराम से 500-600 से 1000-2000 बनाया होता, और डेली देख लो ऐसा नहीं कि एक दिन का है, ये देख लो दो दिन पहले का है, पोजिशन कॉल दी थी 24 पॉइंट अगेन, इसमें आराम से 15,000-20,000 तक बना सकते थे आप एक दो लॉट में ही, और इसी कॉल में अगले दिन तक 30,000 तक का गेन बुक हुआ है, ठीक है, उसके साथ ही देख लो यहाँ पे 110 पॉइंट अगेन, यहाँ नीचे देख लो आप, उसके साथ ही देख लो ये अलग दिन का स्क्रीनशॉट है, छोटे छोटे पॉइंट अगेन, उसके साथ देख लो यहाँ पे 130 पॉइंट अगेन, ठीक है, उसके साथ ही देख लो यहाँ पे छोटे छोटे 30-40 पॉइंट अगेन, यहाँ पे देख लो निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल, यहाँ पे देख लो आप कॉल पोजिशनल कॉल स्टॉक ऑप्शन कॉल निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल, उसके साथ इंट्राडे कॉल, सब तरह की कॉल देखने को मिल जाती है। फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नंबर एक पर ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं लगाना है आपको, सब कॉल लेनी है, एंजॉय करना है, और देखो प्रॉफिट और लॉस तो इसका पार्ट है लेकिन अगर जो आप सीख गए तो आपके लिए जो 1000 रुपये किसी को दे के सीखते वो फ्री में हो जाएगा, तो यहां पे अगर जो ज्वाइन करोगे तो कॉल्स के लिए ही नहीं सिर्फ आप लर्निंग के लिए भी ज्वाइन करना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको हमसे। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम आइडिया फोर्स के बारे में, साइन का मैंने बता दिया, क्लियर हो गया, आप कुछ पूछना कमीशन में मेरे से पूछ लेना। यहाँ पे गाइस डेट्स आपको पता है, 26 को ओपन हुआ था, 30 को अब क्लोज होने वाला है, आज इसका लास्ट डेट है, 5 को अलॉटमेंट, 10 को इसकी होगी लिस्टिंग और 10 की फेस वैल्यू पे यहाँ पे 672 प्राइस बैंड रखा गया है। सब्सक्रिप्शन की बात करूँ गाइस तो मैंने आपको बताया मेरी बैटरी लो हो गई थी माइक की चक्कर में, टाइम ये जो है 12:09 का है, 54.52 टाइम हुआ है, एम्प्लॉय ने 80 टाइम कर दिया है, रिटेलर्स ने 73, एनआईएस ने 70.03 कलेक्टिवली और 40.46 कर दिया है क्यूआईबीज ने,
बट अभी मैं 12:50 का डेटा आपको बताऊं तो यहाँ पे जो स्क्रीन है यहीं पे लगा दूंगा, टोटल हो गया 63.10 टाइम। एम्प्लॉय देख लो यहाँ पे 83 टाइम कर चुके हैं और रिटेलर 74.73 टाइम। उसके बाद एनआईज ने 71 कर दिया और क्यूआईबीज ने 54.83 कर दिया है। तो ये देख लो आप सामने, ठीक है, जो पुराना डेटा था 12:09 का वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे देख लो कितनी अच्छी तरीके से जंप हुआ है। तो इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ 70-80 टाइम तो आराम से हो जाएगा और 100 भी टच ना कर जाए। तो यहाँ पे अगर जो 100 टच करता है तो ग्रे मार्केट में भी बढ़ता हुआ हमें देखेगा डिमांड और अच्छा गेन देखने को मिल जाएगा। तो अगर जिस हिसाब से देखोगे तो ग्रे मार्केट में अभी जो डिमांड है वो 500 से लेके 520 है, ठीक है, जो करीब 11,000 के आसपास आता है। लेकिन ये एमएफ से 550-60 बैक होता हुआ दिख सकता है और सब्सक्रिप्शन 80-100 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखा। तो यहाँ पे पहली प्रायरिटी हमारी इस आईपीओ में रहेगी लिस्टिंग इन के लिए। और अगर जो छोटी लिस्टिंग में जाना है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो उस आईपीओ में लगा सकते हो साइन डीएलएम में। और अगर जो लॉन्ग टर्म के बारे में पूछो तो फिर साइन डीएलएम ही ठीक है, ठीक है, उसमें लिस्टिंग इन के बाद गेन मिलने के चांसेस हाई हैं और इसमें लिस्टिंग इन मिलने के चांसेस हाई हैं। तो यहाँ पे 500 से 520 ग्रे मार्केट में देखो डाउन हुआ, ये 550 था बट ये बढ़ सकता है। अभी जो करंट सिनेरियो है एक्सपेक्टेड है कि 80 टाइम 90 टाइम 100 टाइम हो जाए इसका सब्सक्रिप्शन, तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। बट अपना रिस्क जरूर आप देख लेना, क्योंकि हम जो आपको चीज़ें बताते हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं, जो हम करते हैं एजुकेशनल पर्पज से बताते हैं। आपका रिस्टिंग कैपेबिलिटी अलग है, हमारा अलग है। और ये चैनल जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नंबर 2 पे, जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लाइव मिलेगी, आईपीओ की हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम हो या फिर स्टॉक्स की हो, ठीक है। इसके बाद भी कुछ रह गया तो कमेंट में से पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते वीडियो के एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज टेल दिस टू वेल दी एंड बाय फॉर नाउ।